सरहद के सन्नाटे को छलनी करती गोलियां, भरोसे को तार तार करती पाक की नापाक करतूतें, जो कस सिपाहियों की मुस्तैद नजर, लाइन ऑफ कंट्रोल से हर वक्त हर पल की खबर। यहां इक्का दुक्का जिंदगी बसती है, लेकिन जिंदा लोगों की इस बस्ती में पसरी है वो मुर्दा परस्ती जो एलओसी के उस पार से होने वाली गोलीबारी की देन है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कैसे पाकिस्तान बार बार होता है आउट ऑफ कंट्रोल, इसकी कड़ी हकीकत और स्याह सच से आपको रूबरू कराने के लिए नियंत्रण रेखा पर स्थित आखिरी गाँव में जा पहुंचे हमारे संवाददाता प्रबल प्रताप सिंह। शून्य से भी 10 डिग्री कम का तापमान और पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही गोलाबारी ने भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बसे गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। मौसम की मार तो शायद वो झेल लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की खुरापात से वो कभी उबर भी पाएंगे ये कहना मुश्किल है। पूरी सेक्टर से और ऊपर की तरफ बढ़िए, आसमान को चूमने वाले पहाड़ों पर बर्फ ने अपनी सफेद चादर फैला रखी है। यहाँ थोड़ी दूर आगे तक तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको नियंत्रण रेखा पर स्थित हिंदुस्तान के आखिरी गांव तक पहुंचने के लिए पैदल ही चलना पड़ेगा। पूरे 5 किलोमीटर बर्फ पर चलकर आज तक की टीम उस आखिरी गांव में पहुंची जिसका नाम है चुरुंडा। कड़ाके की ठंड में यहाँ जीना तो पहले से ही दुश्वार है, लेकिन पाकिस्तान की गोलीबारी ने इन लोगों की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया है। शांति थी इधर, बहुत शांति थी, हम भी शांति से बैठे हुए थे, लेकिन इस गोलाबारी के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो सुकूनत थी, अब हमारी सुकूनत उड़ गई है। हमें ऐसे पता चलता है कि जैसे कि हमारी मौत पता नहीं कब हो जाएगी, क्या होगा इधर पता नहीं। साल चेंज हो गया, फिर उसके बाद फिर साल में चला। हाँ, तो क्या हुआ अभी जो शुरू हुआ है, क्या शुरू हुआ है? गोला फिर शुरू हो गया। हम क्या कर सकते हैं, महसूस इसका क्या महसूस है? जब जलता है तो क्या कर सकते हैं आप इसका? हमारे क्या भाषा है, हम क्या बोल सकते हैं इसका? मिंढर में हमारे दो जाबाज जवानों का पाकिस्तानी फौज ने सिर कलम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादों का पहला वार हुआ था पूरी सेक्टर के इसी गांव चुरुंडा में। इसी साल 5 जनवरी की रात इस गांव के पास सटी नियंत्रण रेखा से पाकिस्तानी फौजियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि पाकिस्तान ने अपना रंग तो पिछले साल अक्टूबर में ही दिखा दिया था। अभी जो 16 अक्टूबर से लेके आज दिन तक हालात जो है बहुत ही डेंजर है, क्योंकि कभी भी फैर आने का कोई पता नहीं होता है किस टाइम आ जाए। लोगों के दिलों में घबराहट थी। भूल गया पाकिस्तान कि 10 साल पहले भारत के साथ सीज फायर के लिए उसने हामी भरी थी। भरोसे की रेखा की हिफाजत करने में जुटे हमारे फौजियों को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान दगाबाजी का खंजर लेकर ऐसे हमला बोलेगा। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए 5-6 जनवरी की उस रात भारतीय सैनिकों ने एक पाकिस्तानी फौजी को मौत के घाट उतार दिया। बस उसके बाद से ही यहाँ हर पल मौत साए साए करते हुए अपनी आहट सुना रही है। मेंढर में दो जवानों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की गर्माहट अब ठंडी होती नजर आ रही है, लेकिन इसका सबसे अधिक खामियाजा वो लोग भुगतेंगे जो नियंत्रण रेखा के आसपास बसे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्ते बने रहें। 10 साल की शांति 10 दिनों की गोलीबारी की भेंट चढ़ गई। चुरुंडा गांव में करीब 250 परिवार रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आज फौजी कैंपों के साए में सिसकते हुए अपनी रातें गुजारते हैं। जब भी गोली की आवाज सुनाई पड़ती है, यहाँ के लोगों की याददाश्त पुराने घावों को कुरेदने लगती है। बमबारी से जब गोला पड़ा तो गोला की ये सीलिंग उड़ गई, टांग कट गई थी। ऐसे बस मकान के साथ ही। किसने मारा था? बाद वाले ने काटा था। हाँ। बस चनकी फैल आ गया तो लग गया। हाँ। तो मार गया था, मैं बच गया। खेती कर रहा था, आ गया गोला।
लाके टांग काट गई। सुना आपने, अपनी हस्ती खेलते जिंदगी का भार उठाने की ताकत इनके कदमों में नहीं रह गई है। जहां सही सलामत इंसान के लिए पहुंचने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, वहां ये लोग पीढ़ियों से रह रहे थे। सरहद की लड़ाई में इनके जिंदगी की हदें सिमट गईं। पाकिस्तान के बरसाए गोले इन्हें हमेशा के लिए पैरों से लाचार कर गए और जिंदगी को बेजार। सीज फायर लागू होने से पहले पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में चुरंडा के करीब 16 लोग अपाहिज हुए थे और 18 ने अपनी जान गंवाई थी। पाकिस्तान की ओर से दोबारा शुरू की गई इस खुराफात के बाद अब इस गांव के लोग अपनों को बेबस और अपाहिज नहीं देखना चाहते। संगी हुंकार जब भी इनके कानों में पड़ती है, इनके दिलो दिमाग सारे तार झनझना उठते हैं। दिन किसी तरह कट जाते हैं, रातें मौत का परवाना लेकर घूमती हैं। हम दिन को लोगों को तो नरेगा के काम में बिजी रखते हैं, रात जब होती है लोगों को दिलों में घबराहट होती है। अपनी किस्मत को रोए या आखिरी पॉइंट पर खड़े होने के दर्द को, नफरत और दगाबाजी के गोले हमेशा इनके ही जज्ब को जलाते हैं। जरूरत के सामान खत्म हो जाते हैं तो उरी तक पहुंचना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है। सामान तो नहीं है, सामान ला नहीं सकते, उड़ी जाएंगे तो फिर फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर बाजार से आना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। वो युद्ध की आहट सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नियंत्रण रेखा के कटीले तारों के आर पार माहौल बदले, एक ऐसी फिजा तैयार हो जिसमें उनके बच्चे मौत के साए में डर डर कर ना जिए। हमारा जो ये जब फायर हो जाता है, हमारा पूरा काम रुक जाता है, जिससे हमारे बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना था, उसके डर के वजह मरते हम जान सुख। ये जानते हैं कि बिगड़े हुए हालात इतने जल्दी नहीं सुधरते। इनमें से कुछ की आंखों ने 1965 में युद्ध का वो मंजर भी देखा होगा, जब यही कहीं आसपास से पाकिस्तान ने हमला बोला था। ये खुद के लिए डरना नहीं जानते, लेकिन अपने नौनिहालों का भविष्य इन्हें डरा रहा है। बचने के लिए बंकर बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नफरत के गोलों से वो मामूली बंकर कब तक बचा पाएगा। ये थोड़ा सा पीढ़ी बना रहे हैं तो गुजारे के लिए, अगर बनेगी तो अचानक लगेगी तो पीढ़ी कहाँ बनेगी, फिर थोड़ा छुपने के लिए बना रहे हैं। यहाँ किसी बीमार के लिए इलाज आसान नहीं है, जिंदगी ही सबसे मुश्किल चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द पाकिस्तानी फौज की वो करतूत है जो न सिर्फ इनका अमन छीन लेती है बल्कि भविष्य की उम्मीदें भी। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन को लेकर नियंत्रण रेखा के इर्द गिर्द बसे गांव वाले काफी खौफजदा हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमन के एक दशक के दौर में उन्हें जो कुछ भी मिला शायद अब वो छिन जाएगा। उरी से शुरू हुई एलओसी की कहानी पुंछ और राजौरी से होते हुए मेंढर तक जाएगी, हमारे संवाददाताओं की जुबानी, बस एक ब्रेक के बाद। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस इलाके में अब दुश्मन के खिलाफ गुस्सा और दहशत दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है। आज तक की टीम जब राजौरी जिले के सुंदर बने इलाके में आबाद सरहद के इस आखिरी गांव में पहुंची तो एहसास हुआ कि मेंढर में दो जवानों के साथ पाक सेना की हैवानियत ने उन लोगों के जहन पर क्या असर डाला है जो 24 घंटे दुश्मन की नजरों के सामने रहते हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव पर इस वक्त मौजूद हैं। कहने को तो जिंदगी कभी भी यहां पर पूरी तरीके से सामान्य नहीं रहती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से गोलीबारी शुरू हुई है पाकिस्तान की तरफ से, सीजफायर का उल्लंघन शुरू हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, यहां पर लोग कुछ घबराए हुए हैं और अब सजग भी रहने लगे हैं। सरहद का यह गांव देखने में आम पहाड़ी गांव जैसा ही है, लेकिन यहां सन्नाटा लोगों की चहल पहल से नहीं
बल्कि पाकिस्तानी फौज के तनाव भड़काने वाले धमाकों से ही टूटता है। 1965 से अब तक न जाने कितनी बार पाकिस्तान के दुस्साहस का गवाह यह गांव अब सहम गया है। मेंढर की जिस दरिंदगी से हिंदुस्तान गुस्से से सुलग रहा है, उसी दरिंदगी की खबर से यह गांव खौफ जदा है। हमारा भी नहीं ले सकते हैं, हमारे को दे ही कुछ नहीं ना, हमारे को गर्दन काट के भी ले सकते हैं ना, और हमारे शलंग के साथ भी मार सकते हैं। ये बच्चे डरते हैं ना, आप भी डरते हो, रात सुबह बेरे नींद निकलते हैं, सुबह निकलते हूँ, रात में पेशाब बच्चे नहीं फिर सकते, बाहर जाकर कल्ले नहीं जाते, वो डरते हैं, वो बोलते हैं साड़ी मुंडी में काट कर ले जाते हैं। भारतीय फौज जब पाकिस्तानी सेना की नकेल कसती है तब भी ये गांव खतरे की जद में रहता है। इलाका है ही इतना जटिल कि कोई नहीं जानता कि दुश्मन कब और कहां घात लगाए बैठा है। सरहद के उस हिस्से में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं बहुत बुरी तरीके से आपस में उलझी हुई हैं। अगर आप यहां पर खड़े रहे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता कि कौन सी पहाड़ी पर से कौन सी आंखें आपको घूर रही होंगी। यहां पर रहने वाले लोगों की समस्या भी यही है। जिन दिनों एलओसी पर कटीले तारों की बाड़बंदी नहीं हुई थी तब इन गांवों को सीमा पार के चोर उचक्कों का भी खतरा था। अब बाड़बंदी और भारतीय सैनिकों की 24 घंटे की निगरानी से वो खतरा तो टल गया, लेकिन दुश्मन के नापाक इरादों से पैदा हुई दिक्कतें जस की तस है। फेंसिंग के बाद कुछ शांति मिली, लेकिन शांति के बाद अभी दोबारा जो हर्षा हुआ है, इस हर्षे के कारण जहां काफी लोग परेशान हो रहे हैं। एलओसी के इस इलाके में पहाड़, जंगल और नदियों नालों का जाल इतना पेचीदा है कि यहां कटीले तारों की बाड़बंदी भी बार बार बेअसर होती है। ये मुनावर तवी नदी है, बस 1 किलोमीटर आगे ये पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद ये नदी ही लाइन ऑफ कंट्रोल है। हालांकि जब बार्ब्ड वायर लगाए गए, फेंसिंग लगाई गई, उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफी हद तक समस्या पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन नदी पर आखिर चंद तार कैसे काबू कर सकते हैं? और यही वजह है कि यहां पर जो गांव वाले रहते हैं वो खुद को महफूज महसूस नहीं करते। एलओसी के इस आखिरी गांव के लोग अब पाकिस्तान की रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुके हैं। सीमा पार से युद्ध विराम का उल्लंघन आए दिन झेलने वालों को अब समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान की फौज को बस एक ही भाषा समझ में आती है, ताकत की। लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के हर दुस्साहस का दोगुनी ताकत से जवाब दिए बिना बात नहीं बनने वाली। बदला तो लेना है हमारा, सिर्फ वापस दे दे हैं। बदला तो लेना है हमारा, सिर्फ वापस दे दे हैं। डर तो लगता है, बच्चे भी अंदर आ जाते हैं, देखते हैं ना अंदर आवाज आती है हमारे। सरहद के इस आखिरी गांव में भी हिंदुस्तान अपना भविष्य संवारने में जुटा है, लेकिन शायद पाकिस्तान को यह भी बर्दाश्त नहीं। बच्चों को स्कूल में सबक पढ़ाया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है तो दोस्ती का, भाईचारे का, पर जिससे वो रूबरू होते हैं वो है सरहद पार से दुश्मनी। भविष्य सुनहरा होना चाहिए, खौफ में कभी नहीं। पाकिस्तान एक तरफ तो दुनिया के साथ रिश्ते सुधारने की दुहाई देता है और दूसरी ओर पाक फौज जो नफरत के गोले दागती है उससे सरहद पर बसे गांवों के छोटे छोटे बच्चों को भी बस एक ही बात समझ में आती है, बदला लो। कि हम बच्चों को अवेयर करते हैं, बच्चों को हम इनकरेज करते हैं, हौसला बुलंद करते हैं उनका कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी भाईचारे का ही संदेश हम उनको देते हैं बच्चों। इस गांव में आकर एहसास होता है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों से तंग लोगों की चाहत क्या है। हिंदुस्तान के इन बाशिंदों का इरादा बिल्कुल साफ है। अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसकी गोलाबारी से डरकर ये सरहदी गांव वीरान हो जाएगा तो ये उसका भ्रम है। यहां का बच्चा बच्चा अपनी जन्मभूमि से दिलो जान से प्यार करता है, वो भी सच्चाई से बाखबर होकर कि पाकिस्तान फौज की नीयत बुरी है और जुबान झूठी। पाकिस्तान का तो पहला ही मुद्दा है कि उन्हें झूठ बोलना है, वो चोरी करके भी मानता नहीं है कि हमने ये किया है, तो सीज फेयर हो चाहे कुछ भी आपने वो करता रहता है, तो इस वजह से उनको जवाब जब तक नहीं देंगे तो हम तो बिल्कुल हारे हुए मिलेंगे। एलओसी का एक और खतरनाक इलाका
पुंछ और मेंढर सेक्टर के बीच कटीले तारों की बाढ़ के इस पार जिंदगी है और उस पार दरिंदगी, जैसे सरहद पर बसे गांव के बच्चे बच्चे का सामना आए दिन होता है। सीमा पार से कभी आतंकवादियों की घुसपैठ तो कभी आग बरसाते गोलों ने इन आंखों में तरक्की के सपने कभी पनपने ही नहीं दिए। बस पहाड़ पर मुश्किलों के पहाड़ के बीच जिंदगी बची है, वो भी अब मेंढर सेक्टर में पाक आर्मी की शैतान हरकतों के बाद खौफ में गुजर रही है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब इन्हीं कटीले तारों जैसे हैं। भारत ने मजबूरी में इन कटीले तारों से सरहद की हद तय की, पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इन कटीले तारों में अविश्वास का करंट दौड़ाना पड़ा, ताकि दुश्मन चोरी से पीठ में विश्वासघात का खंजर न भोंक सके। सरहद पर इस खामोशी को आप शांति समझने की भूल मत करिएगा, ये अविश्वास का सन्नाटा है। हम इस वक्त मौजूद हैं पूंछ और मेंढर सेक्टर के बीच, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये जो तारे आप देख सकते हैं, पहले के दिनों में इसमें रात के वक्त बिजली जाती थी, करंट जाता था, ताकि कोई भी यहां पर इन्फिल्ट्रेट न कर सके। लेकिन अब इस तरह की स्थिति मौजूद है, इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बार बार उल्लंघन होता रहा है, इस तरह से गोलीबारी उनकी तरफ से होती रही है, लोग आते रहे कि दिन के वक्त भी इस वक्त हम इसे छूने की का खतरा नहीं मोल ले सकते, क्योंकि इसमें इस वक्त भी बिजली है, इस वक्त भी करंट है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कई सैनिक हैं, कई भारतीय सैनिक हैं जो एम्बुश में हैं, आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें कहा गया है कि आप हर वक्त सतर्क रहें, क्योंकि पाकिस्तान पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। जो हमारे ठीक पीछे है वो पुंछ नदी है, और आप इस मौसम को महसूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंड यहां पर है, लेकिन सैनिक जो हैं वो लगातार मुस्तैद हैं। पुंछ नदी के ठीक पीछे जो छोटी पहाड़ी आप देख रहे हैं, उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर है, और वहीं पर नजरें चौकन्नी रखनी है भारतीय सेना को। सैनिक मुस्तैद भी हैं, क्योंकि डीजीएमओ की जो बातचीत हुई थी उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है। इस गांव से थोड़ी ही दूर पर एलओसी का वो इलाका है जहां 8 जनवरी को पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ करके 2 भारतीय जवानों का सिर कलम कर दिया था। उस घटना के बाद एलओसी पर बसे लोगों की सोच एक ही है, लोग मानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के हाकिम को अमन और इंसानियत की बातें समझ में नहीं आती। सरहद पार बैठे लोगों को अगर समझाना है तो अब उन्हीं की भाषा में समझाना होगा। कूटनीति की बारीकियां सियासत ना जाने, सरहद पर बसे हुए गांव वाले तो बस इतना जानते हैं कि उन्हें पाक की बर्बरता से आजादी चाहिए। आगे आज तक के संवाददाता आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने तैयार की बारूदी सुरंग सीधे एलओसी से। बस एक ब्रेक के बाद। जहां तक नजर जाती है पहाड़ियां दिखाई देती हैं, पहाड़ियों पर कटीले बाढ़ नजर आते हैं, और नजर आता है दो मुल्कों के बीच बंद पड़े रिश्तों का एक दरवाजा। यह वही पुंछ सेक्टर है जहां से भारत पाक के बीच ताजा तनाव की शुरुआत हुई थी। ये जो एक फौज की पिकट है, यहां से पाकिस्तान सामने बिल्कुल आपको आधे किलोमीटर पर दिखेगा, और साथ ही साथ ये जो सात का जो पुल है ये भी पाकिस्तान को जाने वाली एरिया है। यहां से जो है गांव के लोग जो है मूवमेंट करते हैं, उनकी यहां से चेकिंग होती है इस गेट के पार से, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाता है, और आगे जो करीब 3-4 पंचायतें जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ में, जो कि 50 या 30 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, और जो यहां से जो लोकेशन जो चेंज होती है और मूवमेंट जो यहां से होती है, यहां चेक होती है। आगे एक और गेट है जो कि इंडियन आर्मी का गेट है, वहां भी चेकिंग होती है। सरहद पर इंसानी बस्तियां तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों के बाद हलचल कम हो गई है। इलाके में दूर दूर तक दहशत पसरी हुई है। दोनों देशों के बीच अमन की ख्वाहिश रखने वाले हैरान हैं, परेशान हैं। अब जो तनाव बना है पिछले दिनों, आज तकरीबन 4-5 दिन से पहले जो तनाव मेंढर में जो दुर्घटना हुआ, हमारे फौजी जवानों की जो वैश्यना तरीके से उन्होंने गला काटा और उनके डेड बॉडी को जो मिस किया गया, उसको गलत किया गया, और वो जो कहीं किसी मजहब में नहीं, किसी इंसान में नहीं है, वो इंसान इसके बाहर की बात की उन्होंने। एलओसी पर तनाव बढ़ा तो दोनों मुल्कों के बीच दूरियां बढ़ गई,
और इतनी बढ़ी कि अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आया साबिर मीर का परिवार आज भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहा है। मीर परिवार के 7 सदस्य चक्कंदाबाद के रास्ते 3 जनवरी को बीओके से पुंछ पहुंचे थे। उम्मीद थी कि रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद लौट जाएंगे, लेकिन 8 जनवरी को पाकिस्तान ने जो किया उसके बाद चक्कंदाबाग के रास्ते को बंद कर दिया गया। मैं इस वक्त पुंछ इलाके के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास खड़ा हूं। यहां पर पाक कश्मीर से एक परिवार अब्दुल रहमान जी आए हुए हैं, जो कि रावलपिंडी से यहां आए और 42 दिन से यहां पर फंसे हुए हैं। चक्कंदाबाग और पुंछ का जो रास्ता बंद हो गया, ये परमिट पर आए थे, उसकी वजह से 7 परिवार का जो इनका सदस्य यहां पर रुके हुए हैं, उनके वहां पर स्कूल खराब हो रहे हैं बच्चों के, और इनका अपना बिजनेस खराब हो रहा है, वापस नहीं जा पा रहे हैं। तकरीबन हमें आए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं जी, और हम यहाँ पे फंस गए। ये बॉर्डर बंद होने की वजह से बच्चों की तालीम का मसला है, बच्चों की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, बच्चों के स्कूल के मसाइल चालू है, हमारे बिजनेस का मसला जारी है। सिर्फ मीर परिवार ही नहीं बल्कि ऐसे करीब 65 लोग हैं जो दोनों मुल्कों के बीच तनाव की मार झेल रहे हैं और जिन्हें LOC पर लगे कांटेदार बाढ़ कांटे की तरह चुभ रहे हैं। अब पुंछ सेक्टर के बगलीहार धारा गाँव चलिए, नजर दौड़ाइए, गाँव के चारों ओर फेंसिंग नजर आती है और बस 50 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है। बगलीहार धारा से सटा ठांडू गांव है, दोनों गांवों को मिलाकर करीब 4,500 की आबादी है। ये पुंछ इलाके का लाइन ऑफ कंट्रोल इलाका है, जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो यहां से जो है एंट्री होती है बॉर्डर के आगे जाने के, जो कि 0.5 किलोमीटर दूर सामने का इलाका जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का इलाका है, और ये फेंसिंग जो लगी हुई है, यहां से फेंसिंग इसलिए रखी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी जो है इस तरफ ना आ पाए। यूं सरहद पर जिंदगी आसान नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि 8 जनवरी से पहले हालात थोड़े बेहतर थे, लेकिन 8 जनवरी के बाद माहौल बेहद खराब हो गए हैं। गांव वाले बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क की नियत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा महिलाएं और बच्चों का घर से निकलना करीब करीब बंद हो गया है। शाम 6 बजे के बाद पुरुष भी घर से बाहर निकलने से परहेज करते हैं और सूरज अस्त होते ही इन गाँवों में रोशनी से जिंदगी का नाता टूट जाता है। जब से ये बात सुनी है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि लोग आज रेडियो में भी सुनते हैं, टीवी में ज़्यादातर देखते हैं, तो लोगों का इतना माहौल जने वो हो गया है कि लोग घरों में बस बैठ गए हैं, शहर आने से भी डर रहे हैं। सरहद पर तनाव का असर खेती और कारोबार पर भी पड़ रहा है। खेत खलिहानों में शायद ही कोई नजर आता है, सड़कें सुनसान दिखाई देती हैं, दिन भर सिर्फ सेना के ट्रक ही आते जाते नजर आते हैं। अश्विनी कुमार, पुंछ, आज तक। उरी के बर्फीले पहाड़ों के नीचे पाकिस्तान ने अमन और भाईचारे को दफन करने के लिए पहले गोलीबारी की और फिर मेंढर में उसका असली चेहरा सामने आया, जब पाकिस्तानी फौज ने भारत के 2 जाबाजों का सिर कलम कर दिया और 1 का सिर अपने साथ ले गए। पाषाण काल की यह बर्बरता पाकिस्तान के जहन में तो अरसे से समाई है, लेकिन इसे सीमा पार से कुछ दिनों पहले ही हवा दी गई थी लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी सरगना हाफिज मोहम्मद सईद ने। मंगलवार को पुंछ सेक्टर के मेंढर इलाके में नियंत्रण रेखा के अंदर भारत के 2 जवानों की शहादत के बाद कुछ नए पेच सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो इस इलाके में 1 हफ्ते पहले ही लश्कर प्रमुख हाफिज सईद पाकिस्तान के इलाके में आया था। दरअसल लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद का गांव भी इसी इलाके में नियंत्रण रेखा के उस पार पड़ता है और उसका अक्सर आना जाना यहां रहता है। विवादों की इसी नियंत्रण रेखा पर आकर पाकिस्तानी फौज और उसकी आस्तीन में पलने वाले आतंकवादी संगठन एक जैसे हो जाते हैं। दोनों ही भारत पाक के रिश्तों को झुलसाने के लिए जहर भरी गोलीबारी करते हैं, जिसने दिल्ली में सियासी पारे को ऊपर चढ़ा दिया है। लेकिन मेंढर से लेकर पुंछ तक और अखनूर से लेकर उरी तक लोग डरे सहमे हैं। लोगों को डर है कि नियंत्रण रेखा पर चाहे गरजे और बरसे कोई भी, झुलसना तो उन्हें ही है। काफी परेशानी है सर इससे। एक तो आप देखिए कि पहली बात यह है कि जहां तक घुसपैठिए का पता नहीं चलता, पहली बात है। दूसरी बात यह कि अगर हमें परेशानी आती भी है, आप तो देख भी चुके हैं, जगह का मुआयना भी कर चुके हैं कि हमें जहां भी कोई फैसिलिटी नहीं है। भाई डाडू रहता है,
और जेका ना ये जंगली जुंगली में बचे जाते हैं बच्चे बच्चे जेका ना दे डरते डरते हैं जेका। चकंदा बाग के पास दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास व्यापार केंद्रों के बंद होने से साफ झलकता है। पाकिस्तान कैसे तिजारत और मोहब्बत के रिश्ते को नफरत के बारूदी सुरंगों से उड़ाना चाहता है वो भी देखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के कांटे तो पिछले 65 साल से बो रहा है, लेकिन 8 जनवरी को उसने एलओसी के मेंढर सेक्टर में विश्वासघात की सारी हदें पार कर दी। कटीले तारों की बाड़ लांघकर घुसे पाकिस्तानी सेना के दरिंदों ने दो भारतीय जवानों का बेरहमी से कत्ल भर नहीं किया बल्कि भारतीय सीमा में बारूदी सुरंगें भी बिछा गए। पहली बार है कि इस तरह की तस्वीरें भारतीय सेना ने इसका उसको उजागर किया है। ये देखिए, ये साफ तौर पर ये जो माइन है ये दिखा रही है कि ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF का इस पे निशान बना है। लॉट नंबर 87 है इसका और ये SGO यहाँ पर जो लिखा है सेना में सूत्रों के मुताबिक ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये सरगोधा में बनी हुई माइनें हैं। और इस तरह की कई तस्वीरें सेना को इस तरह की कई माइंस सेना ने नियंत्रण रेखा के पास मेंढर सेक्टर में नंगी टेकरी पोस्ट पर और अलग अलग पोस्ट पर रिकवर की है भारत के हिस्से में। और यह साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तानी सेना के अलावा इस तरह की बारूदी सुरंगें आतंकवादियों के पास नहीं हो सकती बिना पाकिस्तानी सेना के मदद के या पाकिस्तानी सेना के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के, ये यहां नहीं लग सकती। इस तरह से ये माइंस नियंत्रण रेखा के इस पार लगाई गई थी, एक्सपोज्ड माइन जैसा इस तस्वीर में भी दिखा है कि ये एक्सपोज्ड माइन किस तरह से वहां पर नियंत्रण रेखा पर लगाई थी ताकि जब पाकिस्तानी सिपाही हमारे सिपाहियों का कत्ल करके जब वापस भाग रहे थे तो भारतीय सेना उनका पीछा ना कर सके, और अगर पीछा करे तो बारूदी सुरंग से उनको नुकसान हो। इस तरह से इस मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। LOC पर पाकिस्तानी फौज की काली करतूतें अब किसी से छिपी नहीं है, फिर भी पाकिस्तान जोर जोर से झूठा राग अलाप रहा है कि भारत युद्धोन्माद भड़का रहा है। आज तक की टीम नियंत्रण रेखा के जिस भी गांव में गई वहां के लोगों का यही कहना था कि विश्वासघात करना पाकिस्तान की आदत में शुमार है, उसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब वो विश्वासघात की आखिरी हद भी पार कर चुका है। आज तक ब्यूरो।